अस्सलाम वालेकुम खवातीन हज़रात, मेरा नाम है आरजू फातिमा। वेलकम टू द सेकंड एपिसोड ऑफ द डैश पॉडकास्ट। जो आज के हमारे मेहमान हैं वो किसी तारीफ के मोहताज नहीं हैं। नहीं नहीं, कर दें कर दें, थोड़ी सी तारीफ और तारुफ दर्जा करा दें। वो तारीफ के मोहताज हैं और हाल ही में उन्होंने एक ओलंपिक वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट किया है और सब पाकिस्तानियों का उन्होंने नाम रोशन कर दिया है। एक तरह से उन्होंने दूसरी दफा ओलंपिक रिकॉर्ड सेट किया, दूसरी दफा उन्होंने ओलंपिक रिकॉर्ड सेट किया है। और ये पहली दफा ही किया था, जिन्हें लाइक गली उधर नाल चल रही, नहीं पहली दफा ही था। पहली दफा उन्होंने ओलंपिक रिकॉर्ड सेट किया है। अपना तारुफ भी करा दे, लोगों को नहीं पता होता। उनको पता है भाई, मेरा पॉड आप मेरे पॉडकास्ट में आए हुए हैं। सॉरी, हाल ही में उन्होंने एक ओलंपिक रिकॉर्ड सेट करके काफी सारे पाकिस्तानी जो सफर कर रहे थे क्रिकेट सिंड्रोम से, उनको ट्रेन में सफर कर रहे थे, किस पर जो परेशान थे, सफर का मतलब परेशान थे वो। अच्छा। जो परेशान थे लोग क्रिकेट ट्रेन में ही सफर कर रहे हैं, परेशान क्रिकेट की वजह से। जितने हमारे पाकिस्तानी भाई और बहन परेशान थे, उन्होंने ही हैज हील्ड अ पार्ट ऑफ सम ऑफ दीस पाकिस्तानी। व्हिच पार्ट, व्हिच पार्ट ऑफ दोस पाकिस्तानी आई हील्ड? कोई बात नहीं, ठीक है। अच्छा, विदाउट फर्दर अडू, ये इस वक्त तो बिल्कुल एक ऐसी हस्ती है पाकिस्तान में जिनका जगह जगह पर नाम लिया जा रहा है, वो जगह जगह अपने नाम से पहचाने जाते हैं। आई एम श्योर आपको इस वक्त तक समझ आ गई होगी कि कौन से ऐसे इंसान हैं जिन्होंने पूरे पाकिस्तान का नाम रोशन कर दिया है। प्लीज वेलकम विद अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज अरशद नदीम का जैवलिन। जी कैसे हुआ ये? उन्होंने पकड़ा मुझे और पहन लिया और लग गया। ओके बाय, थैंक यू। एक्सक्यूज मी, आप पॉडकास्ट में आए हुए हैं, प्लीज आपको थोड़ा सा उसके डेकोरम का ख्याल करना होगा। आपको हमने किसी मकसद के लिए यहाँ पे बुलाया है, प्लीज। ठीक है जी, बताइए। ये काट दीजिएगा एडिटर साहब। अच्छा जी, कैसे हुआ ये? जी अर्शद भाई ने मुझे पकड़ा, जोर से फेंका, भाई उड़ता गया सीधा मंजिल मकसूद पर लगा है। वर्ल्ड रिकॉर्ड, ओलंपिक रिकॉर्ड, ओलंपिक रिकॉर्ड अर्शद साहब ने रिकॉर्ड। अर्शद साहब, जैसे होते ना नॉर्मली इंसान के कुछ फेवरेट पेट्स होते हैं, जिनमें एक पेट है उसका नाम मैंने मिट्टी रखा हुआ है, तो अर्शद साहब ने आपको कुछ नाम रखा हुआ था? जी। क्या नाम? नेजा। नेजा बुलाते थे वो आप? जी, अभी भी बुलाते हैं, वो है अभी हयात है, लाल की जिंदगी। जी आमिर जी, तो कभी आपको ऐसा फील हुआ कि जब वो कोई और जैवलिन इस्तेमाल करते थे तो आपको जेलसी फील होती थी? नहीं जी, था उनके पास, था ही एक, मैं ही था, क्योंकि हमारी हुकूमत ने उन्होंने कहा कि बेटा ये एक ही है, क्योंकि ना उन्होंने कहा कि ख़राब ना हो जाए या मुझे जेलसी ना हो, इसलिए उन्होंने दूसरा लेके नहीं दिया। एंड पे करीब पहुँच के उन्होंने 5 ले दिए थे, लेकिन वो फिर भी मुझे ही पकड़ते थे और कहते थे कि यार नेजे तुम्हें जो बात है ना वो दूसरों में। आपने काफी अब वेट गेन कर लिया है, जब अर्शद नदीम साहब ने आपको फेंका था उस वक्त तो आप काफी स्लिम एंड स्मार्ट थे, तो ये क्या इतनी तरक्की मिलने के बाद आपने वेट गेन किया है? नहीं, ये मैं असल में खुशी से खुला हूँ। अच्छा। मैं बहुत कमजोर था हमेशा से, आपके सामने ये जैसा तुम मुझे पकड़ते थे और फेंकते थे, मुझे अच्छा भी लगता था उस वक्त, मैं पतला था, फिर खुशी से फूला ना समाया, अब वो वाला कहते हैं। अब उन्होंने असल में मुझे ना घर के कोने में रख दिया, क्योंकि अब मैं एक यादगार चीज बन गया हूँ, मैं अलहदा से, मेरी कीमत ना 15-20 करोड़ हो गई है। अच्छा, आप ये बताइए, सिंगल हूँ जी, आप मुझे ये बताइए जी, मुझे लगता है कि आपको उस तरह से वो माइलेज नहीं मिली। नहीं, माइलेज 92.7 या पता नहीं कितना, 92.97 ना, वो जितना भी था वो माइलेज ही थी, और क्या था, माइलेज वही होती है। माइलेज से मेरा मुराद ये है कि जितनी पब्लिसिटी अर्शद नदीम साहब को खुद मिली, मुझे लगता है कि वो उनके जैवलिन को नहीं मिली, तो आपको अफसोस तो होता होगा किसी ना किसी पॉइंट पे कि मुझे वो रिकग्निशन नहीं मिली। हमारी बरादरी के साथ ना ये असल में हमेशा चलता रहा है। देखें, पुरानी जंगों में मेरे जो लक्कड़ दादा मरहूम थे, अंग्रेज़ों के खिलाफ जब जंग हुई थी तो उसमें इस्तेमाल होते थे। अब जो उन्हें नेज़ेबाज फेंकता था वो तो बड़ा मशहूर था, लेकिन दादा जान का नाम नहीं आया कभी। लेकिन वो नेज़ेबाज जो था वो मेरे लक्कड़ दादा जान से प्यार बहुत करता था। यही हमारी कंपनसेशन है, यही हमारी अप्रिसिएशन है। तुम लोगों की तरह नहीं है, टके टके के बंदों से अप्रिसिएशन चाहिए। अच्छा, तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि अब आप उनके घर के कोने में पड़े हुए हैं? कोने में नहीं पड़ा हुआ, दीवार पे लगाया हुआ है, सजा के यो सीधा करके मुझे लगाया हुआ है, उसी हालत में मिलूंगा। अच्छा, जैसे ही आप उस मार्क 92.97 मीटर के मार्क पे आप पहुंचे, आपके सर को लगी या आपने मुंह की खाई कि मेरा कौन सा हिस्सा जमीन में गड़ा, ये पूछ रहे हैं जी? अगला सवाल करें।
ठीक है, नीरज चोपड़ा के जैवलिन से आपकी कितनी दोस्ती है? नीरज चोपड़ा जो है बहुत अच्छे इंसान है, आई बिलीव बहुत अच्छे, और अर्शद भाई के भी बहुत अच्छे दोस्त है, उनके पास है 177 जैवलिन। अच्छा 177, लेकिन उनका भी ना पसंदीदा एक है। अच्छा, उससे मेरी अच्छी दोस्ती है। तो अच्छा, और आपकी मदर का क्या कहना था? आपके जाहिर है पेरेंट्स मस्ट बी वेरी प्राउड ऑफ यू के जो हमारा नेजा बच्चा है उसने इतना बड़ा रिकॉर्ड कायम किया है। मेरे से तो जी वो हमेशा से खुश नहीं है, मतलब जब मैं कुछ नहीं भी करता था तब भी खुश थी। जो मेरे छोटे भाई है ना दोनों, निजू और नेजल, उनसे बहुत नाराज है क्योंकि वो इमिग्रेशन करा के चले गए मुल्क से बाहर। अच्छा, वहाँ वो ना क्योंकि है तो नेजे गलत सरगर्मियों में पड़ गए हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत मशहूर हुए हैं। अच्छा, कास्ट क्या है आपकी नेजो में, आपकी क्या कास्ट है? देखिए ये बड़ा अच्छा सवाल है, नेजो में ना बड़ी बड़ी कास्ट है लेकिन हम में सबसे सुपीरियर कास्ट वाले, हमारी कास्ट है नेजा। अच्छा, नेजा कास्ट है आपकी। अच्छा अच्छा, ठीक है। चले जी, विद दैट वी रैप अप आवर पॉडकास्ट, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वाली एपिसोड भी बहुत पसंद आई होगी। आप अपने व्यूअर्स के लिए कोई आखिरी मैसेज देना चाहेंगे? अल्लाह हाफिज़।